आप सभी देशवासियों को श्रीराम मॉडर्न स्कूल पाई की तरफ से नव वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों 5वीं जिला स्तरीय जंप रोप प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय के 12 विद्यार्थियों ने गोल्ड, एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से उनके सुनहरे में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी सत्र में भी हमारे विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा व खेलों के क्षेत्र में इसी तरह से नए आयाम स्थापित करते रहेंगे। खरखोदा शहर में दिल्ली चौक से बस अड्डा तक बढ़ते जाम के मद्देनजर खरखोदा पुलिस व सामाजिक संस्थाओं ने खरखोदा शहर को जाम फ्री करने के लिए वन वे करने का फैसला कर लिया है। खरखोदा में बढ़ते जाम से खरखोदा वासियों को ट्रैफिक संभालने वाले पुलिसकर्मी राज बहादुर की याद अब फिर से आने लगी है। वहीं खरखोदा पुलिस 6 जनवरी से 10 जनवरी तक ट्रैफिक फ्री ट्रायल अपना रही है, जिससे मटिंडू चौक से सिर्फ दो पहिया वाहन, स्कूल बस, एम्बुलेंस आदि ही शहर में दाखिल हो पाएंगे, जबकि खरखोदा के बाजार में जाने के लिए अब आपको थाना कला चौक से शहर में दाखिल होना पड़ेगा। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए हमने थाना कला चौक से अंदर शहर में जाने के लिए ट्रैफिक को भी ट्रायल के तौर पर 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक समय सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैन करने का विचार किया है। जो हम इसको जो है ट्रायल तौर पर 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इसको शहर में लागू करेंगे। अगर ये कामयाब होता है ट्रायल हमारा, तो हम इसको आगे सुचारू रूप से जैसा भी होगा किया जाएगा। जो ट्रैफिक थाना कला चौक से अंदर शहर होते हुए दिल्ली चौक की तरफ या बाहर जाती थी, मटिंडू और सापला रोहना की तरफ जाती थी, वो हमने डाइवर्ट कर दिए थाना कला चौक से। बाईपास का इस्तेमाल करें, कृपया करके उनसे विनती है। और जो प्राइवेट बसेज हैं, दो पहिया वाहन हैं या कोई इमरजेंसी है, उनके लिए मैंडेटरी लागू नहीं है, वो आ जा सकते हैं। और जो ये रॉन्ग साइड पार्किंग जो खड़ा करते हैं शहर में, उन पे भी हम जो है जैसे नियम अनुसार कार्रवाई होगी, सख्ती से उसको हम लागू करें। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।